हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्र के नाच की इस क्लास में। बातें होंगी, चर्चाएं करेंगे और आपको चैप्टर पे मास्टर बनाएंगे। कल की क्लास में आपने देखा था कि किस प्रकार से एनालॉजी के विभिन्न बिंदुओं पर हम सबों ने अपना काम किया था। आज अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम आज उन्मुख हैं, मुखातिब हैं। छात्र, आप सबों ने यह देखा था, यह जाना था कि एक कंसेप्ट प्रीवियस क्लास का आपका एक कंसेप्ट, और कंसेप्ट मैंने आपको दिया था कि किसी भी तरह करके आपको कुछ पहाड़ा याद करना है, किसी भी तरह करके कुछ रूट, कुछ स्क्वायर रूट, कुछ क्यूब रूट, कुछ नंबरों के क्यूब, कुछ नंबरों के स्क्वायर आपको आत्मसात करना है। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, ये कुछ ऐसे पड़ाव हैं जो आपको एक चैप्टर में नहीं बल्कि ये कई चैप्टरों में एक साथ आपको मदद करता है। आपने देखा कि एनालॉजी टेस्ट से हम सब जो शुरुआत किए हैं, एनालॉजी एक बेहतरीन चैप्टर खत्म हुआ। कल के ही क्लास में आपको पढ़ाया था इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। आपने देखा कि केवल स्क्वायर पर इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर बेस्ड होता है। आज थर्ड चैप्टर पर आपका स्वागत कर रहे हैं जो कि नंबर सीरीज का होगा, अर्थात क्वेश्चन सीरीज बेस्ड होंगे। तो आइए एक चैप्टर के कंसेप्ट लेकर के तीन से चार चैप्टर, और इसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ा देंगे, सो दैट कि पूरा चैप्टर मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला जो होगा वो एक जगह पर आप सबको पढ़ा पाने में हम कामयाब हो जाएंगे। पूरी मैथमेटिकल सीरीज, जो यहाँ पर सीरीज वर्ड है, पहले बच्चा इस सीरीज को समझे। सीरीज का मतलब क्या होता है? लेटर सीरीज हो सकते हैं, नंबर सीरीज हो सकते हैं। ये कहता है कि एक निश्चित पैटर्न पर हम चलेंगे। सीरीज की पूरी कहानी भी होती है कि एक सर्टन पैटर्न ये पकड़ करके चलते हैं, कि निश्चित पैटर्न इनके पास में होता है। उस पैटर्न के आधार पर लेटर या नंबर आगे की ओर बढ़ता है और अपने जगह पर वो क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है। उसी की बातें करेंगे छात्र के नाथ के बीच में, और उस पर शानदार चर्चाएं आपके साथ में करते हुए नजर आएंगे छात्र। आइए उसी सीरीज को लेकर के आपके पास में आ रहे हैं। देखिए, सीरीज के इतने सारे क्वेश्चन मैंने कैमरा को ऑन करने से पहले बोर्ड पर सारे प्रश्नों को लिखा था। नंबर सीरीज टेस्ट मैंने इस चैप्टर का नाम दिया है, आपके लिए नई टॉपिक होगी आज की क्लास की। नंबर सीरीज टेस्ट, या अगर आप नंबर नहीं भी लिखते तो केवल सीरीज टेस्ट लिखे, जिसमें नंबर की बातें करेंगे। सीरीज जो यहाँ पर कंसेप्ट है, इस सीरीज का कंसेप्ट बच्चा मेरा सबसे पहले समझ करके लेगा कि सीरीज का तात्पर्य क्या होता है। सीरीज कहने का मतलब ये होता है कि एक निश्चित पैटर्न पर क्वेश्चंस रन करते हैं, चलते हैं, और उसी के आधार पर क्वेश्चंस में आगे का नंबर इंसर्ट कर दिया जाता है। ये पूरी इसकी रूपरेखा है छात्रगण, जिसको हम सबों ने इसमें जानने का प्रयास किया है। तो आइए उसी चैप्टर को आगे की ओर पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए कहानी है 1, 4, 9, 16, 25। देखो दिखेगा, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, देखिए कैसे सीरीज चलता है। मुझे बताने की आवश्यकता है? पहला क्वेश्चन में है 1 का स्क्वायर, फिर है 2 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर, फिर है 4 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर। देखिए एक सर्टन सीरीज है, 1, 2, 3, 4, 5। ऑब्वियसली अगर किसका सीरीज होगा, 6 का सीरीज, तो 6 कितना होता है, 36। 6 सीरीज 36। तो आपने देखा छात्रगण कि किस प्रकार से पूरे प्रश्न जो है एक पैटर्न को पकड़ करके चलते हैं, और एक सर्टन पैटर्न के द्वारा इसका आंसर ज्ञात किया जा सकता है। इन्हीं पैटर्नों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तकरीबन 20-25 क्वेश्चन आपको सीरीज से करवा देते हैं ताकि चैप्टर आपका हैंडी रहे। कुछ क्वेश्चन आपको अटैचमेंट में भी डाल देंगे। अब आगे क्वेश्चन कहता है, देखिए 20, 19, 17, 10, 5। निश्चित रूप से देखिए घटता हुआ क्रम चल रहा है। 20 से 19 गया है यानी कि -1, 19 से 17 गया है यानी -2, अब जाहिर बात है 3 गया होगा, -3 तो 17 में 3 गया, कितना बचा, 14, अब -4 तो 10, अब -5 तो 5, आंसर कितना हो गया, 14। तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा सीरीज देख करके, बस पैटर्न को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। पैटर्न आप कैसे पकड़ सकते हैं, आपके प्रैक्टिस के द्वारा पैटर्न पकड़ा जा सकता है। ज्यादा ज्यादा ऐसे प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे, पैटर्न आपके कब्जे में होगा, पैटर्न आपके कब्जे में होगा तो चैप्टर पर आपकी कमांड होगी, ये तो ऑब्वियस ही बात है। नेक्स्ट हो सकते हैं ना, अब आगे चलते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2, 3, देखिए क्या कर रहा है, 2। देखिए सीरीज क्या होता है आपको हम समझाते, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग को मिला है, इंपॉर्टेंट हम कह रहा है। अब एग्जाम में आपका दिमाग क्या जाएगा, 2+1 3, 3+2 5, 5+2 7,
7+4=11, कहानी खत्म हो गया, कहानी क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहला में 1, फिर 2, फिर 2, फिर 4। मैंने आपको पहले ही कहा कि एकदम सर्टेन पैटर्न क्वेश्चन पकड़ के चलते हैं, अर्थात ये कहानी मेरा यहीं पर बंद हो गया। अब हम लोग ये नहीं सोचेंगे, फिर क्या होता है, देखिए कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, अल्टरनेट पैटर्न चलता है। अल्टरनेट पैटर्न क्या होता है कि एक नंबर को छोड़ करके, जैसे 2 और 3 कितना हुआ 5, फिर 5 और 4=11, ऐसे अगर रहता 5 और 4=11 तो होता नहीं है, 5 और 3=8 तो वो भी कंसेप्ट नहीं है। तब फिर इन स्थितियों में छात्र क्या करते हैं, ये पैटर्न को हम लोग त्यागेंगे। तो एक केवल दिमाग में रखिएगा कि अल्टरनेट पैटर्न भी क्वेश्चन में होता है, एक को छोड़ करके एक के साथ ये फॉलो करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये कर जाएगा, फिर ये और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, अल्टरनेट पैटर्न। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 2, 3, 5, 7। अब मेरे तो नियम फेल कर गया, कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा है, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 4, 11, सीरीज फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्टरनेट देखेंगे, 2 और 3=5, 5 और 6=11, तो 3 के बाद फिर 6 जा रहा है, ये भी पैटर्न फेल हो गया। फिर दूसरा दिमाग लगाइए कि पैटर्न फेल हो रहा है, आंसर आ नहीं रहा है। अब देखिए ये सभी आप देख रहे होंगे प्राइम नंबर है, हो सकता है क्वेश्चन प्राइम नंबर पर सेट होगा, तो 2 के बाद प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर समझते हैं ना, जो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, तो अगर कौन हो जाएगा 13, 13 के बाद फिर 17, 17 के बाद फिर 19, ठीक है ना, 19 के बाद फिर 23, ये सब प्राइम नंबर होते हैं छात्रगण, तो 13 यहाँ पर अलग हो गया। बिल्कुल बहुत ही सहजता से हम सब ऐसे प्रश्नों को हल कर पाने में कामयाब हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर पे कहता है 6, 11, 21, 36, 56, आइए देखते हैं क्या करता है ना। जनरली देखिए दिमाग लगाइएगा क्या कि जो ये सीरीज बढ़ता है, जनरली बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रहेंगे, तो उसी के आधार पर पकड़िएगा। अब 6 और 11 तो कितना जुड़ा है, +5, 11 में 21 कितना जुड़ा है, 11 में 10 +10, 21 में से 36 कितना जुड़ेंगे, 6 में 1 गया तो 5, 3 में 2 गया 15, देखिए 5, 10, 15 अबर 20 जुड़ा होगा, मिल गया 5, 10, 15, 20 अबर 25 जुड़ेगा, तो 25 जुड़ेंगे तो 6, 5, 11 के 1 हाथ में 1, 5, 7, 8, 81 आंसर आएगा। देख रहे हैं ना कितना आसानी तरीके से, एक भी क्वेश्चन बताइए जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो। एक मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चूंकि प्राइम लोकेशन पर था क्वेश्चन, प्राइम नंबर यानी कि रूट संख्या पर सेटअप था, तो उसी के आधार पर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास में, फिर है 1 और 6 से, देखते हैं क्या कहानी चल रहा है 1, 6 से। तो यहाँ पर कर लेते हैं ये +5, फिर 6 और 13 में जाएंगे कितना जाएगा 13, 6+7 है ना, और फिर यहाँ कितना जाएगा +9 हो जाएगा 13, 9, ये निश्चित रूप से +11 है। देखिए सीरीज कैसे चला, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 अब 13 होगा, 33 में 13 जोड़ेंगे, 3 और 3, 6, 3 और 1, 4 आंसर को हो जाएगा 46, 46। समझ पा रहे हैं, देख लीजिए किस तरह से बन रहा है, आगे चलेंगे, है ना। यहाँ पर क्या है 3, 9, 27, 81, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, है ना। देखिए बहुत तरह का तरीका होता है क्वेश्चन को कितना तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखिए 3 के ऊपर power 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 के ऊपर power 2 करेंगे तो 9 आएगा, 3 के ऊपर power 3 करेंगे तो 27 आएगा, 3 के ऊपर power 4 करेंगे तो 81 आएगा, और 3 के ऊपर power 5 करेंगे तो 81 को 3, 3 का 3, 3 8 24, 243। कितना अंदाज से क्वेश्चन बन सकता, और भी बन सकता था, और कैसे बनता, इसमें 3 + 9, 9 + 27, 27, ये भी कर सकते थे, और कई नियम, 3 को 3 से गुना करते 9, 9 को 3 से गुना करते 27, 27 को 3 से गुना करते 81, 81 को 3 से गुना करते 243। तो दोनों नियम यहाँ पर आप लागू करके ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते थे, क्या कहना है, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर है 1, यहाँ पे 9, यहाँ 17, यहाँ पे कितना ऐड किया गया होगा 8, यहाँ पे कितना ऐड किया गया होगा 8, 1 और 8 9, 9 और 8 17, यहाँ पर 13 में 7 गया तो 6, फिर यहाँ पर 2 में गया 16, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, फिर यहाँ पर 16, 6 और 3 9, 3 और 4 16, देख लीजिए 2 बार 8 जोड़ता है, 2 बार 16 जोड़ता है, अब 49 से 73 में 13 में 9 गया 4 और 6 में 4 गया 24, अब 24 जोड़ेगा यहाँ पर 8, यहाँ पर 16, 8 का 8, 8 × 2 16, 8 × 3 = 24, अब भी 24 जोड़ेगा, 2 बार जुट रहा है तो 24 जोड़ दीजिए, 4 और 3 = 7, 97 कहीं पर है, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1। मैंने आपको पहले ही कहा छात्रगण कि ऐसे प्रश्न पे नन ऑफ दिस का ऑप्शन तो होता ही नहीं है, वो भी एक आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों पे हम नन ऑफ दिस का ऑप्शन बिल्कुल नहीं जाएंगे, नन ऑफ दिस के ऑप्शंस में हमारा आंसर नहीं आने वाला है। निश्चित रूप से कोई ना कोई पैटर्न चल रहा होगा, ये अलग बात है कि आपका माइंड में अच्छी तरह से वो सीरीज आ नहीं रहा है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जब एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं तो अच्छी तरह से एकदम नींद पूरी करके जाइए, क्योंकि अगर आपका नींद पूरा नहीं होगा तो आप ऐसे प्रश्न पे जब आएंगे, ठीक है।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब यहाँ क्या कहानी चल रहा है देखते हैं। दो और तीन पाँच, पाँच और चार नौ, तीन चार का चल रहा है, तीन के बाद चार, चार नौ पाँच चौदह, अगर यहाँ पे चौदह करते हैं चौदह छः बीस आता है, एकदम हो गया। पहला में जुड़ा तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः और फिर सात, इस प्रकार सीरीज का पैटर्न क्या हो गया, पूरा हो गया। तो कितना आसान है, कल्पना कर सकते हैं छात्र और कितने मजे से बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं ये क्या तरीका है। पाँच के बाद नौ है तो कितना चला गया चार, नौ के बाद सत्रह हो गया तो कितना हो गया आठ, सत्रह के बाद उनतीस, नौ में सात गया दो, दो में बारह, ठीक है, चार का चार नौ, चार के बराबर सोलह होगा निश्चित रूप से, नौ छः पंद्रह का पाँच हाथ में एक, दो तीन पैंतालीस हो गया, तो चार का चार, चार नौ, चार के बारह, चार छः सोलह, चार पाँच बीस, अगर बीस जुड़ेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 65। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर बी, दैट इज 65। तो आपने देखा छात्रगण की सीरीज कैसे एक पैटर्न पर चल रहा है, पुराना वही जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको जो कहा है कि पहाड़ा, प्राइम नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब सारा चीज़ को माइंड में रखिए और सीरीज जैसे प्रश्नों को बनाने के लिए बैठिए डेली, ये सब एक दो क्वेश्चन घूमते फिरते सोते समय में भी एक दो क्वेश्चन बना करके बैठिए, ताकि अगर कुछ नया पैटर्न लागू हुआ है तो उस पैटर्न को हम सब समझने का प्रयास करें। आइए और कई आगे की ओर कई क्वेश्चन पर आपका आज प्रैक्टिस करवाते हैं और आगे की प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलते हैं। तो आगे के प्रश्नों पर है छात्रगण और आपको नेक्स्ट सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस पर आपको लेकर के चल रहे हैं छात्रगण। कहानी है एक छः पंद्रह के लिए, चलिए देखते हैं क्या है, फिर वही काम करेंगे अपना जो करते हुए आए हैं। एक और छः यहाँ पर कितना पाँच, छः पंद्रह कितना नौ, ठीक है, पाँच पढ़ा फिर नौ बढ़ा, एक और पाँच छः, छः नौ पंद्रह, अभी क्या करेंगे पाँच एक और पाँच छः, छः और नौ पंद्रह, पाँच चार नौ चार तेरह, पंद्रह में तेरह जोड़ते हैं कितना हो गया अट्ठाईस, फिर अट्ठाईस में कितना जोड़ते हैं पंद्रह, अट्ठाईस में यहाँ पाँच चार नौ, नौ चार तेरह जोड़े तो अट्ठाईस आ गया, नौ चार तेरह, फिर तेरह चार सत्रह जोड़ते हैं तो पैंतालीस आ जाएगा, एकदम ठीक है, देख लिए ना, पाँच चार नौ, नौ चार तेरह, तेरह चार सत्रह, ये वाला सीरीज चला है, तो आंसर मेरा कितना हो गया अट्ठाईस, पंद्रह में तेरह जोड़ेंगे तो अट्ठाईस आ गया, कोई दिक्कत है ना, नहीं ना, एक और पाँच छः, देखिए ना यहाँ पे इसमें पहला वाला में पाँच जुड़ा, फिर इसमें नौ जुड़ रहा है, फिर इसमें तेरह जुड़ेगा, फिर सत्रह जुड़ेगा, फिर सत्रह और चार कितना होता है इक्कीस, तो इक्कीस जुड़ेगा तो छियासठ हो जाएगा, और फिर इक्कीस के बाद चौबीस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा पच्चीस जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा, इक्कीस में चार गए तो पच्चीस जुड़ेगा ना तो आ जाएगा मेरा 91। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तीन है सात है, तो तीन और चार सात, ठीक है ना, यहाँ देख लेते हैं तीन और चार सात, यहाँ पर आठ, यहाँ पर ग्यारह में पाँच गया छः तो सोलह, चार का चार चार दुनिया आठ, आठ चार दुनिया आठ, आठ दुनिया सोलह, अब निश्चित रूप से बत्तीस जुड़ा होगा, सोलह दुनिया बत्तीस, अब कितना जुड़ा होगा चौंसठ, तो चार तीन सात, अच्छा एक सौ सत्ताईस, कितना मजे से आंसर ले आते हैं देख लीजिए। तो सिंपली एकदम आपको काम करना है, आप केवल देखिए कि मैं क्या करता हूँ, आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको हर एक स्थिति पे ही देखना है कि मैं करता क्या हूँ और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पे क्या करना है बढ़ते हुए चले जाना है। यहाँ पर है फिर एक दो तीन पाँच आठ, क्या कहानी है, एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और तीन आठ, क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है नहीं मिला सीरीज, देखिए यहाँ पर एक एक फिर दो तीन सीरीज नहीं मिला, एकदम पैटर्न को त्याग दीजिए, जहाँ पैटर्न नहीं मिलता पैटर्न को त्याग दीजिए। आप क्या चल रहा है देखिए आपस में जुड़िए, एक और दो तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और तीन आठ, आठ और पाँच तेरह, तो सीरीज को देखिए सब ये सब एक दिन का नहीं होता है छात्रगण, इन सब पर काम आपको करने की जरूरत पड़ती है, कितना अच्छा सीरीज है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा कि माथा पटक लिया सीरीज नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बहुत दिमाग एग्जामिनेशन पे माइंड बहुत अच्छा काम करता है ये मैं जानता हूँ, तो एग्जाम पे आपका दिमाग अच्छा काम करेगा इसलिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपको लगेगा सर कि मैंने इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया है, बोले सर नहीं जितना आप लोग पढ़ाए एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अरे बेवकूफ ऐसा नहीं होता है, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन वही होता है, वही क्वेश्चन रहेगा, और ये कॉन्फिडेंस आप कैसे कहे कि सर जितना पढ़ाया नहीं आया, उसका कॉन्फिडेंस यही था कि आप पूरा पढ़े हुए हैं तब उतना क्वेश्चन बना करके आप आए, बिल्कुल इस तुम समझिए। चलिए आइए देखते हैं तैंतीस पूर्णांक के बदले पूर्णांक तोड़ते हैं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 100/3, इसका वैल्यू कितना आएगा 100/3, फिर ये इसको कर सकते हैं ना 100/5 काटेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 14/7 देख लो कैसे चल रहा है 3 5 7 अब 9 होगा यहाँ कर देंगे 100/9 तो 9 वाला से है ऑप्शन आ जाएगा 11/99 100/9 ये आ जाएगा नंबर डी और फिर हो जाएगा 11 9 के बाद 11 चलेगा
ग्यारह नवा निन्यानवे एक सौ बटा ग्यारह क्लियर हो जाएगा एकदम सीरीज हमको मिल गया टोटल का टोटल तो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 11/1/9 ओके चलिए नेक्स्ट है 8, 15, 28, 53 वाट ये हो गया 8 और 7, 15 यहाँ कितना हो जाएगा 13 8 में 5 गया 3 13 यहाँ पर कितना 13 में 8 गया 6 4 में 2 गया 26 क्या कहानी है कुछ कहानी चल समझ में आ रहा है 7 15 और 13 28 5 3 8 28 8 6 14 के 4 हाथ में 2 4 1 5 नहीं तो 54 आ जा रहा है ना यहाँ पर तो हो जा रहा है 25 ना 8 और 5 13 3 हाथ में 1 हाँ 53 हो गया अब यहाँ पर देखिए 7 के बाद सात के बाद देखिए सात के बाद दुगुना करके वन माइनस किया गया है 7 × 14 में से 1 13 13 दूनी 26 में से 1 25 उसके बाद 25 दूनी 50 में से 50 में से 1 गया 49 तो यहाँ पे 49 जोड़ देते हैं तो 9 × 3 = 12 के दो हाथ में 1 5 6 9 1 10 आंसर आ गया डी देख लिए ना कैसे चला सो मेरा कहानी चला 7 13 और 25 का हम क्या दिमाग लगाया भाई कि ये सीरीज कैसे पकड़ा है सीरीज कैसे पकड़ाया यहाँ से यहाँ चलने में कितना जोड़ रहा है तो 7 × 14 = 15 मैंने दुगना करके 1 घटा दिया है फिर इसको दुगना करके 1 घटाया हम भी इसको दुगना करके 1 घटा दिए जोड़ दिए तो आंसर आ गया कैसा रहा तो ये बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और भी एक दिमाग आप लगा सकते थे अगर ये नहीं चल रहा है तो यहाँ कर सकते थे 8 × 16 - 1 = 15 15 × 30 - 2 = 28 28 × 56 - 3 कितना हो गया 53 फिर 53 × -4 102 आंसर आ जाएगा आपका ठीक है ना 53 × 106 होता है ना 106 में 4 माइनस कीजिएगा तो 102 आ जाएगा तो ये भी आप दिमाग लगा सकते थे चलिए अब यहाँ पे देखते हैं देखिए क्वेश्चन क्या है 1 है 0 है 5 है 8 है 7 है 1 और 0 ये सीरीज देखिए ये पकड़ा जाएगा और सब पकड़ाएगा यहाँ कहानी चलते हैं देखिए क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि मेरा 1 आ सकता है तो सीरीज बहुत तरह से चलता है ये कर सकते थे 0² + 1 ये कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे तो 0² + 1 करेंगे तो वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 1 अब कॉमा लगाइए अब ये 0 लाते हैं 0 लाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं ये कर सकते हैं 1³ - 1 तो 0 आ जाएगा देखते हैं सीरीज बना करके फिर 2 पे चलते हैं यहाँ 0 चला अब 1² करेंगे तो 1² नहीं 2² कर लेते हैं 1 तो ले चुके हैं ना फिर 2² तो 2² + 1 2² = 5 आ गया अब हमको क्यूब करना है किसका 2 का ही है ना तो 2³ फिर 8 नहीं आएगा ना फिर क्या करेंगे 1² कर लेते हैं 1² - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2² + 1 करेंगे आ गया फिर 2² + 3² हाँ ठीक है आ जाएगा ये आ गया यहाँ पे देखिए 1+1- चल रहा है ये नहीं चल रहा है 1+1- यहाँ क्यू ना करके यहाँ पे स्क्वायर कीजिए 1 में + 1 में - यहाँ 0 और 1 गया अब कितना जाएगा 2 तो यहाँ हो जाएगा 2² + 1 5 आ गया अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे फिर यहाँ कॉमा लगाइए फिर कितना माइनस हो जाएगा 3² - 1 तो 3 × 9 - 1 8 आ गया ये भी मेरा मिल गया सीरीज समझ में आ गया कैसे सीरीज चला अब मेरा क्या चलेगा 2 और 3 पकड़ा है अब मेरा क्या पकड़ेगा 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 4² + 1 तो 4 × 16 = 17 आ गया अब क्या चलेगा 5² - 1 5 × 25 = 24 हो गया फिर हो गया क्या 6² + 1 37 आ गया फिर क्या हो जाएगा 7² - 1 49 + 1 = 48 तो 48 तो आंसर हो जाएगा 48 कितना अच्छा क्वेश्चन है वो देख लीजिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन जब भी आपका 1 0 इस सब पर रहे ना क्वेश्चन का सीरीज जब स्टार्ट हो जैसे क्वेश्चन 0 से स्टार्ट हो रहा हो 1 से स्टार्ट हो रहा हो तो ये सब पकड़ करके चलिएगा ये सब बहुत बहुत काम आता है मैंने देखा है ये सब बहुत बहुत काम आने वाला कंसेप्ट है एकदम लाइफ का अब देखिए एक क्वेश्चन जैसे आपको भी एक यहाँ पे कराते हैं यहाँ पे बोर्ड में तो लिख दिया क्वेश्चन है 0 लिखा हुआ है ठीक है ना जी इसी से कोरिलेटेड ये क्वेश्चन करवा रहे हैं पहला सीरीज में क्वेश्चन क्या डाल दिया है 0 उसमें नेक्स्ट में क्या डाल दिया है 7 डाल दिया है नेक्स्ट में क्या डाल दिया है 26 आपसे पूछ रहा है व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर अब आपका दिमाग खराब हो रहा है कि सीरीज क्या चला रहा है 0 7 तो मैं आपको एकदम से दिमाग में एक चीज हटा देना चाहता हूँ जहां क्वेश्चन 0 वगैरह से शुरू होता है सीरीज में आप सीधे समझ जाइए स्क्वायर और क्यूब का बात किया गया होगा देखिए ये क्या है 1³ - 1 कितना 0 आ गया ना ये कहानी क्या है 2³ - 1 कितना आया 7 आया फिर कहानी है 3³ - 1 कितना आया 27 आया नेक्स्ट हो जाएगा 4³ - 1 तो आंसर कितना हो गया 63 तो वो
थोड़ा सा दिमाग में लगाने की आपको आवश्यकता है कि आखिर क्या चलता है। तो क्वेश्चन जब भी जीरो वगैरह से वन वगैरह से शुरू हो तो थोड़ा सा इसे माइंड में रखिएगा और सब बहुत आपको पे करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास में। कह रहा है 6,594,058, चलिए एकदम सीधे माइनस कीजिए। इसमें कितना माइनस करेंगे कि ये आ जाएगा 60, यहाँ पर इन दोनों में कितना माइनस हो जाएगा, माइनस 60 करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर 40 में से यहाँ पे 81 है, 58 81, कितना माइनस करेंगे, अगर हम इसे माइनस कर दें 58 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 59, हाँ यहाँ से 59 माइनस करेंगे, माइनस 59 तो देखिए आपका ये आ जाएगा। 10 में 9 गया तो 1 बचेगा, 13 में 5 गया तो 8 बचेगा, 58 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ 60 माइनस किए, यहाँ 59, अगर कितना माइनस कर देंगे इसमें 58, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 58 कर लीजिए, 8 में 1 गया तो कितना बचा, 7 वाला ऑप्शन है कहीं पर, 11 में 8 गया तो कितना बचेगा, 3, देखिए 3 वाला ऑप्शन है यानी यही आंसर होगा। 11 में 8 गया 3, 7 में 5 गया तो 2, और 58 का 58 उतर गया, क्लियर है ना। तो थोड़ा सा अच्छा से बारीकी से देखने से ऐसे प्रश्न बहुत आसानी से बन जाते हैं छात्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 माइनस 6, ठीक है ना, फिर प्लस 4, ठीक है ना, नहीं मिल रहा, देखिए सीरीज कैसे चल रहा है, खुद आप पकड़िएगा। 3 के बाद माइनस 6 फिर प्लस 4, एकदम आपको हट जाना है, आप समझ जाइए कि यू आर डूइंग रॉन्ग, आप कुछ गलत कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा तुरंत के तुरंत, तब फिर आप क्या दिमाग लगाएंगे और देखेंगे सीरीज क्या चलता है। देखिए अल्टरनेट सीरीज चल रहा है ना, 87 में से 84 कितना, माइनस 3, 84 में से 81 कितना, माइनस 3, ऊपर में क्या है 90 में से 88 माइनस 2, 88 माइनस 2 कितना हो गया 86, तो आंसर हो गया 86 पहला के लिए, और फिर यहाँ पर 84 में से 3 81 गया, 81 में से माइनस 3 कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 78, तो आंसर हो जाएगा नॉट 2 इट इज 3। मैंने सीरीज की शुरुआत में ही आपको अल्टरनेट सीरीज के बारे में कहानी कही थी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी दिमाग में बैठा के थोड़ा सा रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है कि जब आप सीरीज यहाँ से चल रहे थे तो ये सीरीज आपको नहीं मिल रहा था, आपने देखा कि सर सीरीज हमारा गड़बड़ हो रहा था, इन स्थितियों में हम सब क्या करेंगे कि फटाक से इसका अल्टरनेट सीरीज पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो जब अल्टरनेट सीरीज पकड़ते हैं तो एक में अल्टरनेट सीरीज में माइनस 3 करता है और ऊपर के अल्टरनेट सीरीज में माइनस 2 करता है, और फिर दोनों आसानी से जो है हमारा मिलने का मिलन हो जाता है दोनों का, सीरीज मुझे पकड़ा जाती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहानी क्या करता है, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 है, 12 है, 36 है, 80, 100, जरूर निश्चित रूप से कुछ कहानी कहा होगा, 2 6 12 12 3 36, ये तो नहीं चल रहा है ना, 12 3 36 ये तो नहीं हो रहा है, 36 25 80 नहीं चल रहा है, कोई कहानी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं कि क्या सब कहानी चल रहा है। देखिए 2 में 12 कितना जोड़ा होगा, 10, 12 से 36 लाने के लिए कितना जोड़ा होगा, 6 में 2 गया तो 4, 3 में 1 गया तो 2, यहाँ कितना जोड़ा है 24, 10 में से कितना जोड़ा है 24, अब हमको जगह चाहिए, थोड़ा सा बोर्ड को थोड़ा सा मिटाते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन का सीरीज थोड़ा सा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा लिए हुए हैं, सीरीज पकड़ते हैं कि सीरीज एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो ये हो गया 10, ये हो गया 24, ठीक है ना, उसके बाद 36 से 80 है तो यहाँ बचेगा 70। अब ये कौन सा सीरीज हुआ भाई मेरे, 10 24 44 70, ठीक है, देखते हैं क्या मिला, वो क्वेश्चन को लेके यहाँ आ रहे हैं, गौर करिएगा, सीरीज मेरा चल रहा है 10 का 24 का 44 का और 70 का सीरीज चला। अब देखते हैं इन दोनों में क्या सीरीज चल रहा है, यहाँ कितना का डिफरेंस हो गया 14 का, यहाँ कितना का डिफरेंस, 4 में 4 गया 0, 4 में 2, यहाँ पर हो गया 20 का, यहाँ कितना का डिफरेंस हो गया, 10 में 4 गया तो 6 और यहाँ पर 6 में 4 गया तो 26। अब देखिए सीरीज मिला 14 में 6 गया तो 20, 20 में 6 गया तो 26, मिल गया सीरीज, देखिए कितना स्टेप पर सीरीज पाए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 18। सीरीज कितना स्टेप में मिला, पहला सीरीज मिली तो हमको मिल रहा 10 24 144 70, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, जब इसको जब देखे कि ये कौन सीरीज पकड़े हुए था तो 14 20 और 26, यानी इसमें 6 का डिफरेंस, यहाँ भी 6 का डिफरेंस, आगे 6 यानी कि 32 हो जाएगा, तो 70 में 32 जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ गया 102। अब जो 102 आया 32, अब देखिए 26 और 32 के बीच में डिफरेंस कितना है 6 का, तो अगला नंबर 102 होगा, तो 150 में से 102 को जोड़ दीजिए, 252 आंसर आ गया मेरा। तो कभी कभी क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, एग्जामिनेशन लेवल पर पहले आप करके देखिए,
फिर देखिए यहाँ ये पकड़िए, यहाँ कोई पैटर्न नहीं पकड़ा है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेके गए, देखिए नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही लेके जाते हैं पैटर्न मेरा नजर आ जाता है। तो हो सकता है कि पहला पैटर्न आपको इनविजिबल हो, लेकिन बाद का पैटर्न आपको आसानी से मिल जाएगा। इन बातों का भी ख्याल रखिएगा छात्रों, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, ये तो क्वेश्चन दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर अब 9 का स्क्वायर होगा, यानी कि 81, ठीक है ना। चलिए 118 182 186 222, क्या काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में, डिफरेंसेस निकालिए एकदम फटाफट, एकदम सिंपल ही पॉइंट। 12 में 8 गया तो 4, यहाँ 7 में 1 गया तो 6, 64 का डिफरेंस हो गया, यहाँ 6 में 2 गया 4, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पर 12 में से 6 गया 6, 11 में 8 गया 3, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, ठीक है ना, 36। अब देखिए यहाँ कितना का स्क्वायर हो गया, 8 का, यहाँ कितना है 2 का, यहाँ कितना है 6 का, ठीक है, 8, 2 और 6 का आपका स्क्वायर चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए फिर इन दोनों में घटाइए, 8 में 2 गया 6, फिर 6 में 2 गया तो 4, 4 में 2 गया तो 2, यानी 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो मेरा यहाँ पे जोड़ दीजिए, 36 में से 222 में से 4 जोड़ दीजिए तो 222 और 4 कितना होगा 226। क्लियर हुआ ना अच्छी तरह से, एकदम कहीं कोई दिक्कत, सबका स्क्वायर है और स्क्वायर के बीच में डिफरेंस निकालिए तो आपका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जो अभी पहला वाला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन वही था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या चल रहा है, 2 एक 2 और 1 3 3 2 6 नहीं चल रहा है, देखते हैं और क्या चल रहा है, 25 6 150 150, ठीक है। फिर 15 3 15 वो भी नहीं चल रहा है, तब अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 और 1 3 3 और 3 6 6 9 15 12 5 7 3 27, देखिए क्या चला, 1 3 3 3 3 9 9 3 27 27 3 51 71 77 71, यही ना हुआ, 2 1 3 7 4 11 113 है, नहीं है, कुछ गड़बड़ी हो रहा है, 3 7 21 1 2 3 6 2 8 होता है, 2 और 1 3 8 4 12 123 कहीं पर है। देख ले कितना आसानी से हम लोग कहानी कह रहे हैं, डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, डिफरेंसेस कौन पैटर्न पकड़े हुए हैं उस पैटर्न को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही मजे तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं। तो छात्रगण पूरे सीरीज चैप्टर के दौरान में आपने देखा कि सर सीरीज अपने आप में एक पैटर्न लेकर के चलता है, उस पैटर्न को हमको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। पैटर्न को ढूंढने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा कुछ कंसेप्ट बच्चा याद रखे, प्राइम नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसके अलावा बच्चा इन बातों का भी ख्याल रखे कि उसे पहाड़ा, स्क्वायर रूट कम से कम 50 तक, क्यूब रूट कम से कम 30 तक, ये सब चीज़ उसको अपने जहन में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए, नहीं तो ऐसे चैप्टरों पर वह निश्चित रूप से गलती कर देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे और आप अपनी परीक्षाओं पे एक अंक सुनिश्चित करेंगे। इस वादे के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त घोषित करते हैं छात्रगण, कल की क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सब बखैर, बाय।